यहाँ पे जुड़े हुए आचार्यगण, प्रधानाचार्य, विद्वज्जन और सम्मानित जो भी हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। मेरा आज का विषय है टीचिंग एंड लर्निंग स्टाइल। रवि जी, स्क्रीन शेयर की अनुमति? जी बिल्कुल है। स्क्रीन दिख रहा है क्लियर? नहीं, स्क्रीन शेयरिंग अभी हुआ है। अभी आपकी स्क्रीन मतलब आपकी प्रोफाइल पिक दिख रही है। अच्छा, एक मिनट वेट। स्क्रीन दिख रहा है ये? जी दिख रहा है। चलिए, धन्यवाद। मैं अमरीश रंजन ओझा, टीचिंग एंड लर्निंग स्टाइल टॉपिक को लेते हुए आप सभी के बीच। सबसे पहले ये कहा भी गया है, माना भी गया है कि एक कुशल जो वक्ता होता है, जो एक कुशल वक्ता होता है, उससे पहले वो कुशल श्रोता होता है। कुशल श्रोता ही एक कुशल वक्ता होता है। तो उसी प्रकार से अगर हम सभी शिक्षक हैं, यहाँ पे जुड़े हुए सभी हम लोग शिक्षक हैं, और हम सभी अगर टीचिंग टीचर होते हुए अगर टीचिंग मेथड्स को फॉलो करते हैं, तो उससे पहले हमको लर्निंग मेथड्स को भी जानना जरूरी है। सिखाने से पहले सीखना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो एक कहानी से हम अपने सत्र का शुभारंभ करते हैं। इंदौर में एक म्यूजिक टीचर प्रतिदिन जाते थे म्यूजिक सिखाने, और जिस परिवार में जाते थे और जिस बच्ची को सिखाते थे, तो सिखाने के क्रम में उन्होंने सोचा, आज मैं इसकी परीक्षा लेता हूं और जानना चाहता हूं कि ये कितना सीखी। तो जब उन्होंने पूछना शुरू किया तो उसने सही आंसर नहीं दिया और उसका सुर तार लय सही नहीं था। दरवाजे के पीछे छिपी बच्ची निकलती है और कहती है, क्या मैं सुनाऊं? डरे और सहमे संगीतक जो संगीत टीचर थे, उन्होंने कहा, बच्ची तुम क्या सुनाओगी? जब ये पढ़ते हुए नहीं सुना रही है तो तुम भला क्या सुनाओगी? लेकिन फिर भी अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम सुनाओ, मैं तुम्हारे हौसले को शाबाशी देता हूं कि तुमने सुनाने का प्रयास तो किया, सुनाओ। वो बच्ची सुनाना प्रारंभ करती है और बहुत सुंदर गाती है। वो जो म्यूजिक टीचर होते हैं वो कहते हैं, एक दिन तुम बहुत इस जग में नाम करोगी। और वो बच्ची कोई और नहीं, लता मंगेशकर होती हैं। तो मतलब कहने का भाव ये है कि अगर उन्होंने अच्छे से सुना तो उन्होंने अच्छे से गाया, उनका सुर ताल लय मिला। एक तो गॉड गिफ्टेड होता है, वो बात अलग है, लेकिन हमें पहले करना भी होता है। तो हम लोगों के जीवन में भी, एक शिक्षक के जीवन में निरंतर सिखाने की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया दोनों होनी चाहिए। तो सिखाने से पहले सीखने की प्रक्रिया पर हम ध्यान देते हैं। जो पहला आता है उभर के टीचिंग एंड लर्निंग में, तो लर्निंग अगर हम विषय पे बात करते हैं तो लर्निंग है क्या, इस विषय को हम समझते हैं। व्हाट इज लर्निंग स्टाइल, लर्निंग स्टाइल है क्या। दिस टर्म्स कैन बी डिफाइंड एज द अप्रोच हाउ द लर्नर अंडरस्टैंड और प्रोसेस प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। द वे ए लर्नर ग्रैप्स द इंफॉर्मेशन इज नॉन एज their learning style। ये learning style जो term है, ये उस प्रकार का approach है जिसके द्वारा कोई भी
सीखने वाला कुछ अपना जानता है, समझता है, तो जो उसके जानने की पद्धति हुई वो उसका लर्निंग स्टाइल कहा जाएगा। जैसे आप सभी देखते होंगे कि कक्षा कक्ष में कुछ को देखने में समस्या है, होती है, तो उसे उस कक्षा में नहीं बैठाकर उनके लिए स्पेशल कक्षाएं होती हैं। मुख से बधिर, आंख से अंधे, कान से नहीं सुनने वाले, मुख से नहीं बोलने वाले, इन सबों के लिए एक अच्छा अलग कक्षा कक्ष संपादित की जाती है, क्योंकि इनके पढ़ाने का तरीका बदल जाता है, इनको समझाने का तरीका बदल जाता है, क्योंकि इनके सीखने का भी तरीका कुछ अन्य से अलग है। तो जो जिसके सीखने का तरीका होता है वो उसका लर्निंग स्टाइल होता है। हम अगर चाहें कि एक ही मेथड्स को अप्लाई करके अपने कक्षा कक्ष को संपादित करें और हमारे बच्चे सही से समझ पाए तो ये सफल नहीं होगा। इसीलिए एक कक्षा कक्ष में जब हमारे विद्या मंदिर की भी टीम, विद्या भारती की टीम जब निरीक्षण करने जाती हैं, तो वो निरीक्षण टीम में जो भी सदस्यगण होते हैं वो ये देखते हैं, वो ये जानने का प्रयास करते हैं कि अमुक विषयाचार्य के घंटी में व्याख्यान ही विधि हुआ सिर्फ, या टेक्स्ट बुक मेथड हुआ, या उनसे क्वेश्चंस बच्चे से पूछा गया, नहीं पूछा गया, दोनों की सहभागिता रही, ये सारे चीज विषय आ जाते हैं। तो लर्निंग स्टाइल, अब हम बात करते हैं कि लर्निंग को हम स्टाइल्स में, जो इसका फोर कोर लर्निंग स्टाइल होता है वो होता है विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग एंड राइटिंग और काइनेस्टिक। अब बात करते हैं कि विजुअल, विजुअल मतलब देखकर, ऑडिटरी मतलब सुनकर, रीडिंग एंड राइटिंग मतलब लिख पढ़कर, और काइनेस्टिक का मतलब होता है कि हमारे बॉडी में जब गति हो। तो ये चारों जो होता है ये कोर होता है लर्निंग स्टाइल का। एक हमारे विद्या भारती में विषय होता है, पढ़ाने पढ़ाने के क्रम में सुनने को आता है कहीं किसी विद्वत जन से शुभोपली। ये शुभोपली ही सिर्फ आता था पहले, शुभोपली, लेकिन जैसे इसके पहले मैंने दिखाया आपको विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग, राइटिंग और काइनेस्थेटिक की, तो यहाँ पे शुभोपली, तो उसमें सुनकर, बोलकर, पढ़कर, लिखकर ही विषय आता था। लेकिन अगर हम सुनाते हैं, बुलवाते भी हैं, पढ़वाते भी हैं, लिखवाते भी हैं, वो बच्चा सुनकर, बोलकर, पढ़कर, लिखकर, लेकिन कार्य करके अगर वो विषय को, बॉडी को मूवमेंट्स करके, उस विषय को परख के, अगर हम कहते हैं दौड़ना, अगर वो दौड़ता नहीं है, खाना खाता नहीं है, गाना गाता नहीं है, तो उसमें करने की प्रक्रिया अगर निहित नहीं रहेगी तो बच्चा उस विषय को डीपली नहीं समझ सकता है। तो सिखाने के क्रम में, सीखने के क्रम में शुभोपली नियम्स को फॉलो किया जाता है। लर्निंग स्टाइल में जरूरी नहीं है कि बच्चा सिर्फ देखे तो ही समझ जाए, या ये भी हो सकता है कि सिर्फ बच्चा देखकर भी समझ जाए, ये दोनों स्थिति आ सकती है। तो स्थिति को परखना होता है कि सामने वाला जो सीखने वाला है, या हमें सिखाने हम जा रहे हैं या सीख रहे हैं, तो हमारे लिए कौन सा मेथड सही और सटीक बैठेगा। तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो देखकर सीखते हैं, लेकिन जिनका आंख ही नहीं हो वो तो सुन के ही तो सीखेंगे। इसलिए कुछ बच्चे देखकर सीखते हैं, कुछ बच्चे सुनकर सीखते हैं, कुछ बच्चे लिखकर सीखते हैं, और कुछ बच्चे पूछ कर सीखते हैं, और कुछ बच्चे इन दोनों के द्वारा एक के साथ दो का कम्युनिकेशन करके सीखते हैं। मतलब देखना, सिर्फ देख रहे हैं तो उनमें कुछ अंश जाता है सीखने में, लेकिन जब वो लिखते हैं या जब हम भी अगर कुछ सीखते हैं तो देखने के क्रम में कुछ सीखते हैं, लिखकर और पढ़कर, बोलकर, प्रश्न एराइज करकर हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो इस चीजों का ध्यान रखना होता है कि हमारे बच्चे या हम खुद सीखने के क्रम में किस प्रक्रिया के द्वारा ज्यादा सीख रहे हैं। टाइप्स ऑफ लर्नर्स, यहाँ पे अगर
लर्नर्स को सीखने के क्रम में जब ये एक बार इसको देखा गया मापदंड पे, तो देखा गया कि जो विजुअल करके बच्चे सीखते हैं वो 60% से एबव सीखते हैं, और जो सुन के सीखते हैं उनका परसेंटेज 10 के नियर अबाउट्स 10% होता है, उनका 10%, और जो प्रश्न उत्तर करके सीखते हैं वो 39.5% सीखते हैं, अदर जो सीखते हैं वो 3.9% अदर मेथड से सीखते हैं। तो ये देखा गया है कि जो चीज हमारा दृश्य होता है, जो चीज देखने से होता है, वो हमारे मनोमस्तिष्क पटल्स पर काफी प्रभाव डालता है। आप इस चीज को मान भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं इस उदाहरण के द्वारा कि जो कहानी पटकथा आपको सुनाई जाती है, सुनने के बाद आप कुछ समझ पाते हैं, लेकिन जब उसी पटकथा को जब फिल्म में, मूवी में पिरोहित करके और उस मूवी को जब आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है, दिखाया जाता है, तो उस विषय को और उस विषय वस्तु को समझने में सरल और सहज रूप से आपके मनोमस्तिष्क पटल पर प्रभाव डालता है, क्योंकि आपने उस विषय को देखा, सुना। तो देखने से हमारे मनोमस्तिष्क पटल पर उस चीज को सीखने की प्रवृत्ति या उस चीजों का विषय का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। कुछ जो हैं जैसे श्रव्य अधिगम, सुनने के क्रम में, तो सुनने के क्रम में बहुत ऐसे इक्विपमेंट है जिनके द्वारा हम सुनकर सीखते हैं। रेडियो है, टीवी है, तो टीवी में तो दोनों कार्य होते हैं, देखने और सुनने दोनों का कार्य होता है, लेकिन अगर हम रेडियो की बात करें तो उसमें सिर्फ सुनने का होता है, सुनते हैं। अगर हमको न्यूज सुनना है तो सुनने के क्रम में हम रेडियो का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आंख से जो नेत्रहीन है, वो बच्चे को अगर न्यूज सुनना है तो वो देख नहीं सकते हैं, तो वो टीवी यूज नहीं करके क्या यूज करते हैं, वो रेडियो यूज करते हैं, या अगर कहीं टीवी चल भी रहा है तो उसकी आवाज तक उनको सिर्फ मिलती है, तो विषय वस्तु को समझ लेते हैं कि आज का समाचार क्या है। तो सीखने के क्रम में हम श्रव्य करके भी, सुन के भी सीखते हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया। दृश्य अधिगम कुछ सहायक सामग्री होती है जिसको हम दिखाकर बच्चों को सिखाते हैं या स्वयं भी सीखते हैं, जैसे पुस्तक। पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं, चार्ट का अध्ययन करते हैं, पोस्टर, मानचित्र, बुलेटिन बोर्ड, संग्रहालय, इन सारे चीजों को जब हम देखते हैं, जैसे हमारे संस्था में देशांतरण होता है, देश भ्रमण कराया जाता है, तो देश भ्रमण कराने का उद्देश्य यही होता है कि हमारे बच्चे के मनोमस्तिष्क पटल्स पर उस चीज का छाप बहुत दिनों तक बना रहे, वो विचलित ना हो अगर उसके सामने उस विषय पर बोलने को आए, क्योंकि जब वो वस्तु को देख लेगा, जब उस स्थान को देख लेगा, तो उस पे वो अधिक विषय का अध्ययन उसको क्षम हो जाता है देखने के बाद। तो दृश्य सहायक सामग्री, दृश्य करके जो देखने की सहायक सामग्री है, उसका मैंने यहाँ पे कुछ किया है पीपीटी में इंक्लूड। जैसे कभी कभी ये भी देखा गया है कि कुछ विद्यालय में आजकल जो दीवार हो रहा है, उस दीवार पर प्राइमरी सेक्शन में कुछ ऐसे चीजों को ड्रॉ कर रखा जाता है, इस प्रकार से कुछ उसको बना दिया गया रहता है कि बच्चे रेगुलर मोड में उसको देखते हैं, और रेगुलर मोड में देखने के बाद वो बच्चे को उस चीजों को बताने में बड़ी आसानी होती है और वो बहुत जल्दी उसको समझ लेते हैं, क्योंकि वो उस चीज को रोज देखते हैं, उनके सहपाठी उसका जिक्र कर देते हैं देखने के क्रम में, या वो भी खुद देखते हैं तो उनके मन में भी ये बातें आ जाती है कि ये किस चीज का चित्र है। तो आजकल विद्यालयों में देखिएगा, कहीं कहीं की तो दीवाले या उस प्रकार से कमरा बनाया गया है कि वो रेलगाड़ी का नक्शा ले रखा है, वो एक बोगी का नक्शा ले रखा है। तो बच्चे को, अगर छोटे बच्चे क्लासेस के हैं तो उनका विद्यालय ही रेलगाड़ी का नक्शा लिया बैठा है। तो इस प्रकार से हम दीवारों पर चित्रण करके भी उसे बच्चों को समझाने में, दृश्य कराने में सहायक हमारे लिए होता है, हम सिखा सकते हैं उसको।
जैसे यहाँ पे हमने कुछ इंक्लूड कर रखा था। अब है देखने और सुनने दोनों के द्वारा। तो हमारा टेलीविजन है, कंप्यूटर है, चलचित्र है, जिसमें कि हम देखने और सुनने दोनों का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हम सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में लर्निंग स्टाइल्स को इन्वॉल्व जब करते हैं, तो हमारे ये जो फोर स्टेप हैं, इस फोर स्टेज में श्रव्य, दृश्य, उसके बाद अगर हम बात करें तो देखकर, सुनकर, देखकर और सुनकर दोनों कार्य करके और एक कार्य करके हम सीखते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर हम दौड़ने को सिर्फ बोल रहे हैं, कार्य को नहीं करा रहे हैं, तो उसका हमारे हम उस विषय को सही से नहीं समझ पाएंगे। तो कार्य करना भी होता है, दौड़ने की प्रक्रिया, खाने की प्रक्रिया, बोलने की प्रक्रिया बच्चे के अंदर होनी चाहिए, उसको करानी चाहिए। छोटे बच्चे को जिस प्रकार से हम गाइड करते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम करके दिखाते हैं और जो उससे कराते हैं, इसी प्रकार से बच्चे सीखते हैं। अब हम बात करते हैं कि टीचिंग क्या है। टीचिंग मेथड को जानने से पहले हम ये जानें कि व्हाट इज टीचिंग, टीचिंग है क्या। टीचिंग इज ए सोशल प्रोसेस। टीचिंग इज मैट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड टीचिंग विच मीन्स टू लर्न। टीचिंग इज ए थ्री प्रॉन्ग्ड प्रोसेस इन विच द टीचर एंड द स्टूडेंट रियलाइज देयर पर्सनैलिटी थ्रू द करिकुलम, दैट इज बाई मेकिंग ए सब्जेक्ट ए मीडियम वी कॉल टीचिंग ओनली द एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड इंट्रैक्शन बिटवीन द टीचर एंड द लर्नर। टीचिंग एक सोशल प्रक्रिया है। टीचिंग जो शब्द है वो अंग्रेजी के जो अंग्रेजी शब्द है टीचिंग से मिलकर बना है। शिक्षण जो शब्द है वो अंग्रेजी शब्द टीचिंग से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य होता है सीखना। शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक और छात्र पाठ्यक्रम के माध्यम से अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं। अर्थात किसी विषय को माध्यम बनाकर शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच विचारों के आदान प्रदान एवं परस्पर अंतःक्रिया को हम शिक्षण कहते हैं। जब हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के क्रम में हम हमारे जो शिक्षार्थी होते हैं उनसे हम परस्पर अंतःक्रिया के द्वारा संबंध स्थापित करते हैं, प्रश्न को बताते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं, अपनी बातों विचारों को रखते हैं और उनके विचारों को लेते हैं। तो शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच में पाठ्यक्रम को आधार बनाकर, विषय को आधार बनाकर जो हम क्रिया करते हैं, जो ये सामाजिक प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया हमारी शिक्षण प्रक्रिया कहलाती है। शिक्षण प्रक्रिया को त्रिआयामी प्रक्रिया इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें तीन टर्म इन्वॉल्व है, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम जो है, ये पाठ्यक्रम कि इर्द गिर्द हम शिक्षक और छात्र घूमते हैं, पाठ्यक्रम को आधार बनाते हैं और हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग का मेथड क्या है। अगर हम टीचिंग करा रहे हैं और टीचिंग के मेथड से हम नहीं वाकिफ हैं, टीचिंग के मेथड्स को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, टीचिंग्स के मेथड्स की जानकारी हमारे बीच नहीं है, तो हम एक कुशल टीचर नहीं हो सकते हैं। टीचिंग प्रोसेस को जानना एक टीचर्स के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। उसके अभाव में उसका जो कक्षा कक्ष होता है, वो कक्षा कक्ष वो सही नहीं से संपादित, सही ढंग से संपादित नहीं हो पाता है और बच्चे के भी मनोमस्तिष्क पटल पर विशेष छाप नहीं छोड़ता है। उसे खुद अपने अंदर सही अनुभूति टीचर्स को नहीं होती है कि मैंने आज कक्षा कक्ष का सही संपादन किया, क्योंकि वो अपने कक्षा कक्ष से खुद संतुष्ट नहीं रहता है। तो अपने को संतुष्ट होने के लिए पहले सीखना, जिसपे हम लोगों ने अभी जिक्र किया लर्निंग स्टाइल, और फिर सिखाना, सिखाने की विधियों को, हर एक विधियों को अप्लाई करना अपने कक्षा कक्ष में, ताकि जो अलग अलग मनोबुद्धि वाले व्यक्ति विशेष हैं, जो हमारे शिक्षार्थी हैं, उन पर विशेष प्रभाव पड़ सके। तो इसके लिए मेथड ऑफ टीचिंग्स को जानना जरूरी है। मेथड ऑफ टीचिंग्स की अगर हम बात करें तो मोर टाइप्स ऑफ मेथड होते हैं।
पर यहाँ हम लोग कुछ जो विशेष होते हैं उनके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। स्टोरी टेलिंग मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ट्यूटोरियल मेथड, क्वेश्चन एंड आंसर मेथड, डिस्कशन मेथड, ह्यूरिस्टिक्स मेथड, डिस्कवरी मेथड और प्रोजेक्ट मेथड। ये 10 मेथड्स को मैंने यहाँ पे इन्वॉल्व किया है। इस 10 मेथड्स को अलग अलग करके हम विषय को समझेंगे कि ये क्या है, किस मेथड्स के क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है और ये मेथड क्या है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। स्टोरी टेलिंग मेथड्स, जैसे मैंने अपने सत्र का प्रारंभ जब किया तो एक कहानी से किया। कहानी जब स्टोरी टेलिंग हम करते हैं, कथात्मक विधि को जब हम अप्लाई करते हैं अपने कक्षा कक्ष में, तो कथात्मक जो विधि होती है उस कथात्मक विधि का प्रभाव ये होता है कि हमारे बच्चे जो होते हैं वो कंसंट्रेट हो जाते हैं और कंसंट्रेट होके हमारे विषय को समझते हैं और विषय को समझाने में भी जब हम उसको कथा के रूप में लेते हैं तो वो हमारे बच्चों के ऊपर एक विशेष प्रभाव छोड़ता है। तो स्टोरी टेलिंग्स मेथड इन दिस मेथड टीचर प्रेजेंट लेशन इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी। जो टीचर्स होते हैं वो अपने लेशंस को स्टोरी के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं बच्चों के बीच में। टीचर कैन ऑल्सो कम अप विद अ स्टोरी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। जो उनका स्टोरी होता है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। ऐसा नहीं कि आप स्टोरी तो कह रहे हैं लेकिन उसका उस विषय से कोई तालमेल नहीं हो। अगर उस विषय से कोई तालमेल नहीं होगा तो बच्चा उस स्टोरी को एक बोझ के रूप में लेगा या उसे लगेगा ये क्या कह रहे हैं, ये क्या समझाने का प्रयास किए, इनकी कहानी का तो हमारे विषय से कुछ लेना ही नहीं रहा। तो जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड ही स्टोरी हो, या अगर ये कहें कि स्टोरी कहीं की भी हो लेकिन उसे उस विषय पर लाके छोड़ना, उस विषय से उसका समायोजन कर देना, तो वही सही टीचिंग्स मेथड है स्टोरी टेलिंग का। इन द मिड रिलेटेड टू द सब्जेक्ट इन द मिडिल ऑफ लिस्ट इंटरेस्टिंग हियरिंग स्टोरीज This method of teaching is sure to grab their attention. बातें आ भी गई कि उससे हमारा attention, जो कक्षा कक्ष में attention होता है बच्चों का बना रहता है और बच्चे भी बड़ी प्यार से उस कहानी को सुनते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कहानी जो है कहानी है। अगर उसे हम ये कह दें आज ये पढ़ना है और उसे कहें कि ये हमको आज ये कहानी सुनानी है, दोनों में अंतर आ जाएगा। अगर हम कहानी का जब बात करते हैं तो बच्चे उसके प्रति उत्सुक हो जाते हैं। तो भरसक प्रयास करना कि अगर विषय को कहानी के रूप में हम उसे सजा कर रख सकें, उसे उस विषय पर ला सकें, तो ये काफी श्रेयस्कर होता है बच्चों को सीखने के लिए। ये माना गया है, ये देखा गया है कि प्राइमरी सेक्शन जो छोटे बच्चे होते हैं वो दादा दादियों के पास बैठ के कहानी सुनते हैं। और आज भी हम लोग देखें तो दादा दादियों की कहानी आज भी मशहूर है। तो दादा दादियों की कहानी जब हम सुनते हैं या बाल कथाएं पढ़ते हैं या साहित्य का अध्ययन करते हैं, कई ऐसे बुक कहानी का पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है, शब्द भंडार भी बढ़ते हैं। शब्द भंडार बढ़ने के साथ साथ हमें बोलने का, हमें उस विषय को रखने की भी क्षमता बढ़ती जाती है, वो डेवलप होती जाती है। तो स्टोरी टेलिंग जो होता है वो काफी सहायक होता है जब आप कक्षा कक्ष का संपादन कर रहे हो। अब ये डिपेंड करता है कि जो आपका सब्जेक्ट है वो स्टोरी अकॉर्डिंग है या स्टोरी अकॉर्डिंग नहीं है। टेक्स्ट बुक मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड की बात करें तो टेक्स्ट बुक मेथड इन दिस मेथड गिव द कंटेंट इन टेक्स्ट बुक अकॉर्डिंग द एज ऑफ अ स्टूडेंट। जो टेक्स्ट बुक मेथड होता है, इस टेक्स्ट बुक को अगर हम बात करें, जो हमारा पुस्तक होता है, जो किताब होता है, जो टेक्स्ट बुक होता है, उसको बच्चों के एज के अकॉर्डिंग दिया जाता है। जो बच्चे का एज होता है उसी अनुसार उसका टेक्स्ट बुक होता है। टेक्स्ट बुक मेथड डेवलप रीडिंग स्किल्स एंड करेक्ट राइटिंग स्किल। टेक्स्ट बुक मेथड जैसे बुक का अध्ययन कराना, पुस्तक को पढ़ाना,
तो पुस्तक के पढ़ाने के क्रम में हमारा रीडिंग स्किल डेवलप होता है, और रीडिंग स्किल जब हम कराते हैं तो बच्चा जब शब्द को देखता है तो शब्द कैसे लिखा है उसके वर्तनी पर ध्यान, उसके हर्षिकार दीर्घिकार पर उसका ध्यान जाता है। तो इस प्रकार से वो पढ़ने के क्रम में सही सही लिखने का भी उसके अंदर भाव आ जाता है और उस विषय को वो समझ लेता है कि कैसे हम उसको लिख सकते हैं। तो पहले वो देखता है, फिर पढ़ता है, पढ़ने के क्रम में उसके लिखने की भी क्षमता का विकास होता है। इन दिस मेथड टीचर एंड स्टूडेंट सेंटर बेस डिपेंड ऑन एज कंटेंट लेवल एंड क्लास। ये जो मेथड होता है ये आपका जो बेस होता है वो टीचर और स्टूडेंट्स की, जो स्टूडेंट्स का एज होता है, उसका क्लास होता है, उसी के अनुसार कंटेंट्स को उसमें डाला जाता है। ये हमारा होता है टेक्स्ट बुक मेथड। अब लेकिन हमेशा एक ही मेथड्स के थ्रू पढ़ाना और एक ही तरीके से पढ़ाना ये भी बच्चों के लिए बोझिल हो जाता है। जैसे हम रेगुलर गए और टेक्स्ट बुक मेथड्स को कर रहे हैं, बच्चे से सिर्फ पढ़ा रहे हैं, भाई रीडिंग करो रीडिंग करो रीडिंग करो। बच्चा ये जानता है, नए बच्चे भी जब कक्षा में आते हैं तो वो कह देता है अमुक आचार्य जी आएंगे, अमुक शिक्षक आएंगे, और वो जब विषय को रखेंगे तो वो टेक्स्ट ही पढ़वाते हैं, सिर्फ किताब पढ़वाते हैं। एक कोई बच्चा कहेगा कि ये सिर्फ कहानी ही कह के चले जाते हैं। तो ये दोनों मेथड, हर एक समय एक ही मेथड, ये चीज भी कक्षा में नहीं होना चाहिए। लेक्चर मेथड इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ टीचिंग। लेक्चर मेथड्स पे बात किया जाए तो लेक्चर मेथड जो है वो काफी कॉमन है। आज अगर देखिए तो बड़ी बड़ी सभाएं और बड़े बड़े जो अगर समुदाय हैं, कोई अगर बहुत मोर देन पीपल्स को अगर हमको विषय को रखना है मोर देन पीपल्स के पास, तो हम लेक्चर मेथड्स को अप्लाई करते हैं। तो लेक्चर मेथड इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ टीचिंग। लेक्चरिंग डिलीवर्स कंसेप्ट, इट डिलीवर्स ए लोट ऑफ इंफॉर्मेशन ए शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। काफी कम समय में हम बहुत सारी जानकारियों को लेक्चर मेथड्स के थ्रू रख सकते हैं। व्याख्यान विधि, ये लेक्चर मेथड जो है वो व्याख्यान विधि है। कन्वे इंफॉर्मेशन दैट इज डिफिकल्ट टू प्रेजेंट इन अनदर वे। इसे हम अलग अलग जो भी हमारा इंफॉर्मेशन होता है लेक्चर्स को, हम उसके डिफिकल्ट को तरीके से लेक्चर मेथड व्याख्यान विधि से रखते हैं। अब लेक्चर मेथड जो है हमारे टाइम की तो बचत करता है, ये हमारा एडवांटेज हुआ। इसमें परमिट फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, रिक्वायर लेस रिजिड स्पेस रिक्वायरमेंट, ये सारे चीज एडवांटेज होते हैं। लेकिन कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं। इन्वॉल्व वन वे कम्युनिकेशन। व्याख्यान विधि जब चलता होता है, अगर उसमें व्याख्यान चल रहा है तो अगर वो वन साइडेड जब होता है, और देखा ही जाता है कि लेक्चर मेथड जो होता है वो वन साइडेड हो जाता है, वन साइडेड होने के वजह से ये इसका डिसएडवांटेज कहा गया माना जाएगा कि ये वन वे कम्युनिकेशन है, ये टू वे कम्युनिकेशन नहीं है। दोनों तरफ से इसमें बातें नहीं होती है, एक व्यक्ति विशेष है वो बोल रहा है लेकिन उसके बाद कोई प्रश्न वाली बातें नहीं है। तो व्याख्यान विधि का ये डिसएडवांटेज है कि ये वन वे कम्युनिकेशन होता है। पोज प्रॉब्लम इन स्किल टीचिंग। प्रॉब्लम को टीचिंग्स के क्रम में जो प्रॉब्लम होता है उसको वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है, वो दबा रह जाता है। प्रॉब्लम्स क्या है लेक्चर मेथड्स में, जब प्रश्नोत्तरी वाली बात नहीं रहेगी तो वो लेक्चर मेथड जो होता है वो प्रभावी नहीं हो पाता है। तो लेक्चर मेथड में ये देखा गया है कि प्रश्न वाली बातें नहीं आती है, शॉर्ट टाइम में विषय वस्तु को रख के संपादित कर दिया जाता है, ये इसका डिसएडवांटेज हुआ। मैंने यहाँ पे यूजेज एडवांटेज और डिसएडवांटेज को दे रखा है ताकि आपको विषय वस्तु को समझने में सहूलियत हो। ये जो हमारा लेक्चर मेथड है ये ट्रेडिशनल पारंपरिक समय से आ रहा है। पहले आप देखे होंगे कि गुरुकुल सिस्टम होता था, और गुरुकुल सिस्टम में होता क्या था कि जो गुरु होते थे उस समय संसाधन का भी अभाव हुआ करता था। आज तो बहुत सारे फिजिकल इक्विपमेंट, अभी देखिए तो आप अगर विषय वस्तु को समझ रहे हैं तो आप दूर बैठे हैं और ऑनलाइन मेथड से आप
विषय वस्तु को समझ रहे हैं, आपके सामने पीपीटी चल रहा है, आप विषय को ऑडियो के रूप में विजुअली रूप में देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। लेकिन पहले संसाधन की कमी हुआ करती थी और संसाधन की कमी होने के कारण जो उस समय की पद्धति थी वो व्याख्यान विधि काफी था। गुरु होते थे, विषय वस्तु को व्याख्या के द्वारा रखते थे, तो गुरुकुल मेथड इसको कहा भी गया है, ट्रेडिशनल मेथड भी इसको कहा गया है, और आज इसको थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई करके इसको आज चॉक एंड टॉक मेथड भी बोला जा रहा है। चॉक एंड टॉक मेथड इसलिए बोला जा रहा है कि अभी जो समय चल रहा है इसमें अगर कक्षा कक्ष में कोई व्याख्या कर रहा है, लेक्चर दे रहा है, तो वो चॉक का भी यूज कर रहा है और टॉक का भी यूज कर रहा है। तो चॉक और टॉक मेथड्स भी आज इसे कहा जा रहा है कि चॉक एंड टॉक मेथड है, गुरुकुल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, लेक्चर मेथड है। ये हमारा होता है व्याख्यान विधि। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, खास करके ये जो प्रदर्शन विधि है, इस प्रदर्शन विधि का साइंस में काफी इसका यूज देखा गया है कि साइंस में प्रदर्शन विधि का काफी यूज किया जाता है। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड इज प्रैक्टिकली वे ऑफ टीचिंग। इन दिस मेथड टीचर्स परफॉर्म एन एक्टिविटी टू टीच द स्टूडेंट ए कंसेप्ट। दिस ऑफन ऑकर्ड व्हेन स्टूडेंट फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंसेप्ट थ्योरीज टू एक्चुअल प्रैक्टिस एंड व्हेन स्टूडेंट्स आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द थ्योरीज एंड इट्स एप्लीकेशन। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो प्रदर्शन विधि है वो प्रैक्टिकली वे है, और प्रैक्टिकली वे में जब हम टीचिंग कराते हैं, अगर बच्चे को थ्योरी से उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो उसे हम उसको प्रैक्टिकली रूप से प्रदर्शित करने को बोलते हैं, उसे उस विषय को प्रदर्शित रखने को बोलते हैं। तो इस तरह से बच्चे का जो कठिनता होती है वो कठिनता जो होती है वो दूर होती है। तो कभी कभी हम बच्चे को डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड भी अप्लाई करते हैं, ऐसा विषय जिसमें कि हम कुछ और ऐसा नहीं है, हम साइंस तो है, साइंस में इसकी विधि का खास यूज होता है, विशेष कर यूज होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो अन्य विषय जो होते हैं, अन्य विषय में भी हम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड्स को रख सकते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड जो होता है अन्य विषय में भी, जैसे हम अगर भूगोल पढ़ा रहे हैं तो भूगोल पढ़ाने के बीच में हम मानचित्र को प्रदर्शित करना, मानचित्र के विषय में बताना, ये कर सकते हैं। अगर हम कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं तो कंप्यूटर्स में मदरबोर्ड को बना के लाना, फिर सीपीयू को बना के लाना, कीबोर्ड को बना के लाना, उसको प्रदर्शित करना, उस विषय वस्तु को पर रखना अपने विचारों को, तो ये सारे चीज हम डेमोंस्ट्रेशन मेथड वहां भी हम अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि किसी एक विषय में ही हम डेमोंस्ट्रेशन मेथड्स को अप्लाई करें। तो डेमोंस्ट्रेशन मेथड भी हमारे स्टूडेंट्स के लिए काफी सहायक होता है, ये प्रैक्टिकली रूप प्रदान करता है, और इस प्रकार से हमारे बच्चे प्रैक्टिकली वे से उस विषय वस्तु को सीखते हैं, समझते हैं, उन्हें एक करने का, विषय को प्रदर्शित करने का मौका मिलता है। आप देखे होंगे कि कभी कभी हमारे विद्यालय में क्या होता है, हम सभी के विद्यालय में प्रदर्शनी लगाया जाता है, तो प्रदर्शनी के बीच में कभी मैथ को लेके, साइंस के विषय को लेके अलग अलग विषय का प्रदर्शनी लगता है, तो बच्चे क्या करते हैं उसमें उस प्रकार के प्रारूप, उस प्रकार के चित्रों को, उस प्रकार को ला के बना के प्रदर्शित करते हैं। कभी कभी वो खाद्य पदार्थ जो होता है खाने का, उसको लाते हैं, उस पर वो बताते हैं, उससे अलग अलग नक्शा बनाते हैं, कभी सर्किल फॉर्म में, कभी किसी फॉर्म में, और वो बताने का प्रयास करते हैं कि ये जो आकार है वो मैथमेटिक्स टर्म्स के इस सिंबल से रिलेटेड है। तो इस प्रकार से प्रदर्शन विधि से भी बच्चे सीखते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड की अगर हम बात करें तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड मिनिमाइज डैमेज एंड वेस्ट। एडवांटेज इसका क्या है कि इसमें आप प्रदर्शन अगर कर दिए तो उस चीजों को कलेक्ट करके आप फर्दर के लिए भी रख सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए कि एक बार आपके विद्यालय में प्रदर्शनी का कार्यक्रम हुआ और उस प्रकार के कार्यक्रम जब संपादित हुए तो उसमें जो यूजेज हुए हैं उसको आप रख सकते हैं। मिनिमाइज डैमेज एंड वेस्ट, वो ऐसा नहीं है कि वो डैमेज और वेस्ट होने का उसमें चांसेस कम होता है। सेव टाइम्स, विषय को समझाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, कम समय में हम विषय को समझा सकते हैं प्रदर्शित कर। कैन बी प्रेजेंट टू ए लार्ज ग्रुप, और हम एक लार्ज ग्रुप में उसको प्रेजेंट करने का भी मौका होता है कि हम बच्चे को ग्रुप बना लिए और ग्रुप बना के बोले कि भाई आपको इस विषय पर
प्रदर्शनी विषय की तैयारी करके आनी है और आपको अलग अलग विषय को रखना है या प्रदर्शन करना है। तो यहाँ पे प्रेजेंट को हम लार्ज ग्रुप में हम प्रेजेंट करा सकते हैं, ये इसका एडवांटेज हुआ। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो रिक्वायर केयरफुल प्रिपरेशन एंड रिहर्सल। जैसे बच्चे क्या होते हैं, जब भी उसको प्रैक्टिकल रूप से जब उसका बनाते हैं उस चीज को उसको बनाते हैं तो केयरफुली उसको प्रिपेयर करते हैं, और उसका एक बार पहले आपके सामने प्रेजेंट करने से पहले उनको उसका रिहर्सल करना होता पड़ता है कि इसको बना रहे हैं सही दिख रहा है नहीं दिख रहा है, वो शेप में आया उस आकार में आया नहीं आया, क्या है जो विषय को समझाना चाहते हैं उस विषय के अनुरूप है या नहीं है। तो इस प्रकार से वो पहले रिहर्सल करते हैं, तो रिहर्सल करते हैं फिर उसको केयरफुली प्रिपरेशन करना, ये सारे चीज जो है इसके डिसएडवांटेज माने जाते हैं। तो ये तो मोस्ट हो ही जाता है। रिक्वायर स्पेशल क्लासरूम अरेंजमेंट। अगर मान लीजिए कि बच्चा साइंस का कुछ प्रदर्शनी बना के लाया है और उसको आप वो लाया तो उसको एक क्लासरूम में, अब उसके लिए क्या होता है कि अगर हमको उसको रखना है तो उसको एक क्लासरूम, कोई उसको अलर्ट किए फिर उस रूम में भाई उसको रख दो, तो वो क्या होता है कि एक रिक्वायर स्पेशल क्लासरूम अरेंजमेंट के लिए एक स्पेशल क्लासरूम्स को एंगेज करना पड़ता है कि उस प्रदर्शनी को सही सलामत हम रख पाए। तो ये इस डेमोन्स्ट्रेशन मेथड्स का डिसएडवांटेज होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने समझा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। आगे चलते हैं तो ट्यूटोरियल मेथड। ट्यूटोरियल मेथड्स की बात करें तो आजकल देखिएगा कि क्या होता है कि अगर हमको किसी विषय वस्तु को समझना है और किसी खास विषय को समझना है तो उस स्पेशल विषय को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि YouTube पे जाते हैं और देखते हैं कि भाई इस अमुक विषय का ट्यूटोरियल वीडियो। तो ट्यूटोरियल वीडियो का मतलब ही हो जाता है कि किसी एक खास विषय को लेके और उस विषय को पूर्ण रूप से सही ढंग से स्टेप बाय स्टेप हम उसको जब समझाते हैं तो वो हमारा हो जाता है ट्यूटोरियल मेथड। A tutorial in education is a method of transferring knowledge and may be used as a part of learning process, more interactive and specific than a book or a lecture. A tutorial seeks to teach by example and supply the information to complete a certain task. क्या होता है कि tutorial में हमने जैसा पहले भी बोला कि हम knowledge को तो transfer करते हैं लेकिन सिर्फ lecture और textbook method से नहीं बल्कि उसको more interactive बनाते हैं और किसी खास जो विषय को है उस विषय को लेते हुए हम उसके स्टेप बाय स्टेप हर एक विषय को कंप्लीट करते हुए उसको हम तब विषय को रखते हैं उस प्रकार से विषय को रखते हैं। तो वो हमारा जो विषय उस प्रकार से जो हमारा मेथड हुआ वो मेथड हुआ ट्यूटोरियल मेथड। तो ट्यूटोरियल मेथड आजकल खास करके देखा जा रहा है कि कई कई प्रकार के वीडियो हमारे सामने मिलते हैं, ट्यूटोरियल वीडियो, ट्यूटोरियल मेथड, जिसमें कि किसी विषय को ले लिया गया और उस विषय के हर एक स्टेप को सॉल्व किया गया है। अगर हमको किसी विषय के विषय में जानना है और उसका कुछ अंश ही जानना है तो उस विषय को हम जानने के लिए ट्यूटोरियल वीडियोस का सर्च करते हैं तो हमें पूर्ण जानकारी उसके विषय में हो जाती है। अब है कि क्वेश्चन एंड आंसर मेथड। क्वेश्चन एंड आंसर मेथड प्रश्नोत्तरी विधि। क्वेश्चन एंड आंसर इज ए टीचिंग मेथड दैट इज अलाउड टू डायरेक्ट कम्युनिकेशन दैट इज टू वे ट्रैफिक because at the same time there is a dialogue between the lecturer teacher and student. Question and answer method is intended to stimulate students thinking and guide them in achieving a gaining knowledge. To prashnotri vidhi jo hai, usme kya hota hai ki one way ab wali baat nahi rahi, jaise lecture methods ki humne jab baat ki thi to wo kya tha, one way method tha। हम अगर बोल रहे हैं और सामने वाले से कुछ हम पूछ नहीं पा रहे हैं, हम बोले जा रहे हैं तो इस बीच में क्या होता है कि वो हमारा वन वे कम्युनिकेशन होता है, जबकि क्वेश्चन एंड आंसर मेथड जो होता है वो टू वे कम्युनिकेशन होता है। हम प्रश्न करेंगे बच्चा उत्तर देगा, बच्चा भी कभी प्रश्न करेगा हमको उत्तर देना होगा, तो ये टू वे कम्युनिकेशन हुआ। अगर हम वन वे ही बोले जा रहे हैं तो ये हमारा लेक्चर मेथड कहा जाएगा। इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो थिंकिंग स्किल्स होती है वो बढ़ती है। अगर उसे हम प्रश्न करने का मौका देते हैं तो उसकी थिंकिंग स्किल्स बढ़ती है और उस थिंकिंग स्किल्स को हम जज करते हैं, हम उसको गाइड करते हैं कि वो जो प्रश्न कर रहा है वो ऑथेंटिक कर रहा है प्रश्न या नहीं, वो विषय के अनुरूप प्रश्न कर पा रहा है या नहीं, या विषय के अनुरूप नहीं भी कर रहा है तो उसकी हम क्षमता देखते हैं कि वो कहाँ क्या वो पूछ रहा है।
तो इस क्रम में हम उसके थिंकिंग स्किल्स को भी जज करते हैं, उसका थिंकिंग स्किल डेवलप भी होता है और उसे भी प्रश्न करने का मौका, उत्तर देने का मौका, दोनों कार्य होते हैं। तो ये होता है टू वे कम्युनिकेशन। आवाज मिल रही है ना रवि जी? जी बिल्कुल आ रही है, आ रही है। चलिए धन्यवाद, कंफर्मेशन के लिए एक बार पूछ लिए। अब बात करते हैं डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड, अब डिस्कशन मेथड्स की अगर हम बात करें तो डिस्कशन मेथड जिसको परिचर्चा विधि बोला जाता है, परिचर्चा विधि। आजकल देखा जा रहा है कि डिबेट हो रहे हैं। अगर आप टीवी देख, आजकल ऐसा कोई नहीं है कि जो टीवी से नहीं कनेक्टेड है, टीवी से जुड़ा हुआ है, तो न्यूज देखने के क्रम में ये शब्द देखिए, समय के साथ शब्द भी आने लगते हैं। और जिस प्रकार से शब्द नए नए, आप पहले जैसे आप बहुत पहले की बात करें तो ये शब्द डिबेट वर्ड, तो जब हम समाज के बीच में रहते हैं तो कुछ कुछ वर्ड नए नए आते भी हैं, नए नए शब्दों का निर्माण होता है। तो डिबेट, आजकल डिबेट काफी चलते हैं। तो डिबेट में क्या है, किसी एक विषय को ले लिया और उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो डिस्कशन जब हम कर रहे हैं तो परिचर्चा कर रहे हैं, तो परिचर्चा के क्रम में हमारा जो थिंकिंग स्किल्स होता है वो बढ़ता है। तो यहाँ डिस्कशन मेथड्स आर वैरायटी ऑफ फॉर्म्स फॉर ओपन एंडेड कोलैबोरेटिव एक्सचेंज ऑफ आइडिया अमंग ए टीचर एंड ए स्टूडेंट और अमंग स्टूडेंट फॉर द पर्पस ऑफ फर्दरिंग स्टूडेंट्स थिंकिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टैंडिंग और लिटरेसी एप्रिशिएशन। यहाँ पे बात करते हैं कि डिस्कशन मेथड ये क्या करता है, ओपन एंडेड का यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि आप डिस्कशन कर रहे हैं तो डिस्कशन की भी एक परिचर्चा कर रहे हैं किसी विषय वस्तु को लेके, तो उस विषय के अनुरूप अपने विषय को रखिए। हाँ, आपको आजादी है, डिस्कशन करने में आजादी है, आप बोलिए, लेकिन अब क्या है कि उसके अकॉर्डिंग बोलिए, उसके नकारात्मक सकारात्मक दोनों पक्ष आप बोल सकते हैं, लेकिन विषय से विषयांतर हो जाना ये भी परिचर्चा तरीका नहीं हुआ। अब बात करते हैं कि इसमें परिचर्चा के क्रम में ये भी देखा गया है कि जब हम परिचर्चा डिबेट होता है या हम परिचर्चा के क्रम में विधि को अप्लाई करते हैं तो ओपन एंडेड क्वेश्चन तो होता ही है, लीडरशिप की भी भावना बढ़ती है। लीडरशिप की भावना बढ़ती है मतलब आपको लीडिंग करने का एक क्षमता का विकास होता है कि हाँ भाई, हम इस विषय में अगर अच्छा विषय को रख रहे हैं या इस पे हम परिचर्चा किए तो उसमें लीडिंग की क्षमता बढ़ती है। एक और भी उसमें आता है टॉलरेंस की भी क्षमता बढ़ती है, मतलब सहनशीलता की भी क्षमता बढ़ती है। कभी कभी परिचर्चा में देखा गया है, डिस्कशन मेथड में देखा गया है कि हम तो डिस्कशन कर रहे हैं लेकिन सामने वाले हमारे बातों को हमेशा नकारे जा रहा है और उसका कुछ ना कुछ परिणाम के साथ क्षमता, मतलब सहनशीलता की भी क्षमता बढ़नी होनी चाहिए, सहनशीलता की भी क्षमता बढ़ती है। जैसे हम विषय को ठीक है निगेटिव जा रहा है लेकिन हम उसको, अगर वो विषय सही है और हमारा कहना सही है तो उसको हम पॉजिटिव लाते हैं और उस ज्यादा हम ये नहीं होते हैं, इरिटेट नहीं हो जाते हैं कि भाई ये हमको ऐसे बोल दिया। तो टॉलरेंस की भी, सहनशीलता की भी क्षमता का विकास होता है डिस्कशन मेथड में। उसके बाद बात करते हैं ह्यूरिस्टिक्स मेथड। ह्यूरिस्टिक्स मेथड की बात करें तो ये हमारा जो होता है, ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग इज एन इकोनॉमिक एंड फास्ट स्ट्रेटजी। इन द ह्यूरिस्टिक्स मेथड द स्टूडेंट मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट डिस्कवर, सो देयर इज नो टीचर हेल्प और गाइडेंस इन दिस मेथड। इन दिस मेथड द टीचर्स पोज ए प्रॉब्लम्स टू स्टूडेंट्स, देम स्टैंड असाइड व्हाइल दे डिस्कवर द आंसर। इस मेथड में क्या होता है कि बच्चे को समस्यात्मक प्रश्न को टीचर देते हैं और जो भी समस्यात्मक प्रश्न होते हैं, जो टॉप कुछ ऐसे विषय को दे के बच्चों को दे देते हैं, लेकिन वो उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वो उसमें बच्चे को ये देखते हैं कि साइड से खड़े होके देखते हैं कि बच्चा का दिमाग थिंकिंग स्किल्स कहाँ तक जा रहा है, वो किस प्रकार से उसको सॉल्व कर रहा है। तो ये हमारा होता है ह्यूरिस्टिक्स मेथड। उसके बाद बात करते हैं डिस्कवरी मेथड। डिस्कवरी मेथड क्या होता है, लार्जली अंडरस्टूडेड सिचुएशंस मेथड और फिलोसफी ऑफ टीचिंग वेयर बाय स्टूडेंट्स आर परमिटेड टू फाइंड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम ऑन
देयर ऑन और एट देयर ऑन पेस ऑफन जॉइंटली इन ग्रुप एक्टिविटीज आइदर इंडिपेंडेंट ऑफ और अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर डिस्कवरी मेथड तो डिस्कवरी मेथड क्या होता है, जैसे डिस्कवरी मेथड की अगर हम बात करें तो खोज की प्रवृत्ति उसमें बढ़े, तो खोज की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए हम उसको क्या करेंगे, विषय को बच्चों के बीच में रखकर और उसे एक क्या करते हैं कि भाई इस विषय को तुम डिस्कवरी मेथड्स इस परियोजना जो जिसको अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि बच्चे उसको खोज की प्रवृत्ति उसकी बढ़ती है, उस प्रॉब्लम्स को वो खुद आइडेंटिफाई करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और एक नए किसी विषय को लाता है, वो किसी नए चीजों की खोज करता है, तो वो हमारा होता है डिस्कवरी मेथड। और डिस्कवरी मेथड हमारे अंदर मतलब इस विधि को अप्लाई मतलब हम इस विधि को कैसे रखें, हमारे अंदर भी खोज का जब भाव होगा तो हम डिस्कवरी मेथड्स को अप्लाई करेंगे। जब हम कुछ नया जब करते हैं कि नवाचार की बातें करते हैं तो नवाचार जो मेथड्स है, नया कुछ करने का जो मेथड्स है वो डिस्कवरी मेथड है और डिस्कवरी मेथड्स को भी हम अप्लाई करते हैं टीचिंग में। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड द प्रोजेक्ट मेथड इज ए टीचर फैसिलिटेटिव कोलैबोरेटिव अप्रोच इन विच स्टूडेंट्स एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स टू डिफाइन एंड सॉल्व रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स यूजिंग ए प्रोसेस ऑफ एक्सटेंडेड इंक्वायरी प्रोजेक्ट और द स्टूडेंट सेंटर। प्रोजेक्ट मेथड्स जो होता है तो प्रोजेक्ट मेथड्स में क्या होता है कि आपको किसी विषय को लेके बच्चों को एक हम प्रोजेक्ट दिए कि इस कार्य पे तुमको कार्य करना है, तो वो उसमें अपना अप्लाई करता है नॉलेज, अपने स्किल्स को अप्लाई करता है और उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ये सोशल में भी हम सामाजिक में भी हम कुछ विषय वस्तु अगर हमारे पास है और उसको हम दे दिए कि इसको ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट को तुम फुल फाइल करो, फाइनल स्टेप दो, तो उसमें हम ग्रुप बना दिए, ग्रुप बना के बच्चों को उसमें कर दिए कि भाई ये तुम आपका प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को आपको सॉल्व करना है। तो उसको सॉल्व करने के लिए वो क्या करते हैं, अलग अलग नॉलेज को अप्लाई करते हैं, अलग अलग स्किल्स को अप्लाई करते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा होता है प्रोजेक्ट मेथड। इस प्रकार से हम लोगों ने आज जो मेथड्स को समझा, ये 10 मेथड्स को समझा और उसके बाद हम लोगों ने लर्निंग स्टाइल्स को समझा। अगर किसी को कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं। सभी जो है पार्टिसिपेट जो भी हैं वो अगर कोई प्रश्न है तो माननीय रिसोर्स पर्सन महोदय से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी प्रकार की आइडियाज अगर लेनी है तो वो ले सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। एवरीवन धन्यवाद रिसोर्स पर्सन महोदय, मुझे लगता है कि काफी अच्छा जो है आपके तरफ से जो है हम लोग का मार्गदर्शन किया गया। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है, कृपया करके सभी 2:30 से जो एक और इन हाउस ट्रेनिंग का जो सेशन है उसमें भी जो है ससमय जुड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पूरे विद्यालय परिवार की ओर से श्री अमरेश रंजन ओझा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को भी, बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों ने सुना और बहुत अच्छा लगा हमको, और इसके लिए विद्यालय परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद।